हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास डेस्क। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वांट्स के सिलेबस का जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पार्ट टू डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट आई मीन इज कि ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट वन में रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक डिस्कशन किया था, जहां पे हम लोगों ने टॉपिक को अच्छी तरीके से हम लोग समझे थे कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था वो हम लोग अच्छी तरीके से समझे रेशियो प्रोपोर्शन का। उसके बाद हम लोग अप्रोच क्वेश्चन का समझे थे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड फाइनली कुछ अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे वहां पे, जो कि काफी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस था। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस में आ जाएंगे, जहां पे जो भी सारे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं एक तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप पार्ट वन वाली वीडियो को अच्छे से देख लो एंड हैव अ गुड होल्ड ऑफ द कंसेप्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू देयर। एक बार आप वो अप्रोच और वो कंसेप्ट अच्छे से सीख जाते हो, तब अगर आप पार्ट टू मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको पता है सो यू कैन स्टार्ट इट राइट फ्रॉम हियर, क्योंकि पार्ट वन एकदम ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जहां पे जस्ट आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड यू कि जब मैं क्वेश्चन को एक बार समझा दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई करना बिफोर लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन। दैट इज हाउ यू वुड हैव अ बेटर कमांड ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन के साथ बार बार रेफर करके फिर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देन देयर इज नो पॉइंट, और आपका जो कमांड होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड कि आप अच्छी तरीके से खुद पहले ट्राई करना। सो विद दैट वेरी थॉट Let's start this particular video. Before moving forward with the video, मैं आपके लिए एक important announcement करना चाहता हूँ, और वो ये है कि Class Test ने आपके लिए already एक full-fledged course launch कर दिया है, जो कि आपकी UG entrance examination के preparation के लिए एक one-stop solution होने वाला है। इस course में सारे important topics जो कि examinations में आते हैं A to Z covered up है, with total in-depth concept का explanation, अप्रोच का एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यहाँ पे समझाया गया है इस कोर्स में, जिसके साथ एग्जामिनेशन में आप जल्द से जल्द टाइम स्ट्रिंजेंट मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, हम लोग ये कोर्सेज डिफरेंट फॉर्मेट में रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल किए हैं, जिसमें आपका जो प्रायोरिटी है उस चीज के ऊपर आप कोर्स में ऑप्ट कर सकते हो। और इन सारे कोर्सेज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है, जिसके साथ आपका जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है जिसके साथ आपको examinations में बैठना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो कोर्सेस है इसका मेन बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज जनरल और डोमेन के जो भी सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से बाइफर्केट किया गया है, जिसमें आप इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हो और कॉम्बो कोर्सेस भी ले सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डेमो क्लासेस की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है उस पे जा सकते हो। और अगर आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना इंक्वायरी डाल सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड विद द वीडियो। सामने अपना पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड आफ्टर दैट रेफर टू द सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 year ago द रेशियो बिटवीन द सैलरी ऑफ अरुण एंड अभिषेक वॉज 3:4। ठीक है, मतलब एक साल पहले अरुण और अभिषेक का जो सैलरी का रेशियो था वो 3:4 था। द रेशियोज बिटवीन द सैलरीज इंडिविजुअली बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 4:5 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है कि अरुण का लास्ट ईयर और दिस ईयर का जो सैलरी का रेशियो है वो इस हिसाब से है, और अभिषेक का 2:3 हिसाब से, मतलब लास्ट ईयर 2 के डिविजन में था, अभी 3 के रेस्पेक्टिव में आ गया। तो ये रेशियोज हम लोगों को दिया गया है। एट प्रेजेंट Their total salary is 42,900. मतलब इन दोनों का सैलरी अभी का जो है, उन दोनों का अगर एडिशन किया जाए तो 42,900 है। तो हम लोगों को पूछा क्या गया है कि find the salary of Arun now. तो अपने को given क्या क्या चीज है। If we look into the given figures in this particular problem, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक साल पहले 1 year ago, ठीक है, ये एक साल पहले की बात है। एक साल पहले जो है वो अरुण का और अभिषेक का, ठीक है, अरुण का और अभिषेक का जो सैलरी का रेशियो है वो कितना था, 3:4 था। ठीक है, द रेशियोज बिटवीन द सैलरीज इंडिविजुअली बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अब यहां पे क्या है कि अरुण का
अरुण का अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ये जो सैलरी है अरुण का उसका रेशियो अपने को दिया गया है 4:5। एंड सिमिलरली अगर हम लोग अभिषेक का देख ले तो अभिषेक का लास्ट ईयर एंड दिस ईयर के बीच में जो रेशियो है वो है 2:3। ये सारे चीजें अपने को दिया गया है, ठीक है। अब हम लोगों को दिया गया है कि अभी अरुण का मतलब इस ईयर अरुण का जो रेशियो होगा और अभिषेक का इस ईयर का जो सैलरी होगा बेसिकली वो मिला के टोटल कितना है, टोटल है अपना 42,900। ये सारे चीजें अपने को दिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करेंट सैलरी ऑफ अरुण, ठीक है। फाइंड द सैलरी ऑफ अरुण नाउ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें अरुण और अभिषेक का पुराना जो पहला एक साल पहले का सैलरी वो 3:4 रेशियो में था। तो अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज देखूं, एब्सोल्यूट वैल्यूज एक साल पहले का, तो अरुण का क्या हो जाएगा, अरुण का हो जाएगा 3x एंड अभिषेक का क्या हो जाएगा, अभिषेक का हो जाएगा 4x। ये अपना क्या हो जाएगा एक साल पहले का, करेक्ट। अब ये जो है ये पूरा अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से है। अब देखो यहां पे क्या दिया है, अब यहां पे बोला है कि अरुण का लास्ट ईयर और इस ईयर का, ठीक है, जो हमारे पास सैलरी का रेशियो है वो इतना है। अपना जो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है कि हम लोगों को दिस ईयर अरुण का सैलरी क्या है वो हम लोगों को निकालना है। सिमिलरली अभिषेक का भी इस ईयर का सैलरी अपने को निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई वेरिएबल के थ्रू भी इस ईयर का सैलरी निकाल लेते हैं तो उनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल के साथ हमारे पास एक इक्वेशन बन सकता है। बिकॉज अरुण सैलरी नाउ प्लस अभिषेक सैलरी नाउ इज इक्वल्स टू अपने पास दिया गया है 42,900। तो अपने को एक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम लोग सैलरी ऑफ अभिषेक एंड अरुण अभी निकाल ले तो पुराने साल का देखिए तो यहाँ पे 3x और 4x एब्सोल्यूट वैल्यूज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और अभी क्या बोला है कि अरुण का अभी के साथ और लास्ट ईयर के साथ रेशियो इतना है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट ईयर क्योंकि अरुण का 3x था और अभी अपन मान ले रहे हैं अरुण का कुछ होगा, दैट इज इक्वल टू 4/5। तो अरुण का अभी का सैलरी कितना होगा इसको अपन निकाल सकते हैं, 5 × 3 = 15x/4। ये अरुण का आज का सैलरी है, दिस ईयर सैलरी। लास्ट ईयर का अपने को पता है राइट 3x, दिस ईयर का सैलरी अपने को निकालना है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 3x पहले का था, अभी का हम लोग को निकालना है। सिमिलरली अभिषेक का भी लास्ट ईयर का सैलरी कितना था, 4x था। 4x/ दिस ईयर का सैलरी कितना अपने को निकालने का है, ये इज इक्वल टू 2/3। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 12x/2 विच इज इक्वल टू फर्दर 6x, करेक्ट। तो 15x/4 और 6x ये दोनों हमारे पास आ गया। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा साफ रखूं, मतलब इफ आई रिमूव सम ऑफ द थिंग्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, ठीक है, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पे जो जो क्वेश्चन मार्क्स है वो क्या है, वो अरुण और अभिषेक का अभी का सैलरी है बेसिकली, राइट। ये हम लोगों को पता है। अब देखो अगर इस चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे तो यहां पे इन दोनों का जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आ गया, ये अरुण का है और ये अभिषेक का है, करेक्ट। अब इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का जो एडिशन है वो अपने को दिया गया 42,900। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है, इक्वेशन ये हो रहा है कि 15x/4 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 42,900, राइट। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 15x प्लस 24x/4 इज इक्वल्स टू 42,900। इसको अगर प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 39x, करेक्ट। तो यहां से अगर हम लोग x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, 39 इससे कटने वाला है। कितने में कटेगा ये 39 इसके साथ, अगर हम लोग देखेंगे 39 के साथ ये आपका जा रहा है अराउंड 1100, ठीक है। तो 1100 × 4 हो जाएगा तो क्या हो रहा है 4400। ये x का वैल्यू है। हम लोगों को पूछा है सैलरी ऑफ अरुण नाउ, अभी अरुण का सैलरी क्या है ये बेसिकली अपने को पूछा गया है। तो अरुण का अभी का सैलरी क्या था, अभी का अगर देख ये सैलरी जो है, ये सैलरी कितने कौन सा टाइम का था, ये सैलरी था आपका एक साल पहले का, करेक्ट। और अभी का सैलरी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी का सैलरी कितना है अरुण का, अरुण का सैलरी ये है। तो अपन प्रेजेंट सैलरी ऑफ अरुण अगर निकालेंगे, प्रेजेंट सैलरी
ऑफ अरुण अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 इंटू एक्स का वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स का वैल्यू अपना आया 4400 करेक्ट, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे ऐसे तो ये 1100 हो जाएगा, तो 15 इंटू 11 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जा रहा है 165, तो 16500 अपना अरुण का अभी का सैलरी हो जाएगा करेक्ट। तो अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो ऑप्शन है अपना करेक्ट आंसर है। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको प्रॉपरली समझ आया। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इजी लेवल है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर आप सॉल्व करो, तो एक टाइम का भी कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या दिया है, इफ रुपीज 300 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन सच अ वे सो दैट बी गेट्स 30 मोर देन ए, सी गेट्स 60 मोर देन बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू 300 बिकॉज 300 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी करेक्ट। तो ये हमारा 300 है, तो अपने को क्या दिया गया है कि बी जो है बी गेट्स 30 मोर देन ए, ठीक है, तो बी जो है वो 30 मोर देन ए हो जाएगा एंड सी गेट्स 60 मोर देन बी, तो 60 ये बी का वैल्यू है तो इससे भी 60 प्लस हो जाएगा, तो अगेन अपन लिख सकते हैं 30 प्लस ए प्लस 60, ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू है तो 60 मोर देन बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 300। इसको अगर अपन फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या है कि 3a यहां पे है तो 3a लिख लेते हैं प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60, तो 60 प्लस 30 90 हो जा रहा है, 90 प्लस 30 120 हो जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 300। तो यहां पे 3a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा आपका 180, तो आपका a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 60 करेक्ट। तो a का वैल्यू आपके पास 60 आ गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 विच इज 90 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 प्लस 90 दैट विल बी इक्वल टू 150 करेक्ट। तो अपने को इंडिविजुअल वैल्यू आ गया, ए का कितना है 60 है, बी का कितना है 90 है और सी का है 150। तो अब अगर हम लोग ए इज टू बी इज टू सी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 इज टू 90 इज टू 150 करेक्ट। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले जीरो को हटा लेते हैं, अब 3 2 6 3 3 9 3 5 15 करेक्ट, तो 2:3:5 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, हेंस आवर रेशियो वुड बी 2:3:5। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ रुपीज 315 कंसिस्ट्स ऑफ 25 पैसे 50 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन्स इन द रेशियो 3:4:6, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज अपने को अभी निकालना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रुपीज 315 है, ठीक है, ये रुपीज 315 है, ये जो रुपीज 315 है ये कैसे बना है, इसमें कुछ 25 पैसे कॉइन्स है, फिर इसमें कुछ 50 पैसे कॉइन्स है, फिर इसमें कुछ 1 रुपी कॉइन्स भी है, इन तीनों को मिला के ये बेसिकली बना है। और हमें दिया गया है कि 25 पैसे कॉइन्स का रेशियो 3 है, 50 पैसे कॉइन्स का रेशियो 4 है, 1 रुपी का 6 है करेक्ट। तो अब हम लोगों को बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि इन सारे पैसों को मिला के ही आया है, बट यहाँ पे देखो यूनिट का भी एक खेल है। यहाँ पे देखो 25 पैसे है, अब 25 पैसे 4 होगा तब मिला के 3 1 रुपया बनता है, 50 पैसे 2 होगा तब जाके 1 रुपीज बनेगा, तो 25 पैसे हमारा बेसिकली 4 होगा तब जाके 1 रुपया बनेगा करेक्ट, 50 पैसे भी हमारा 2 होगा तब जाके 1 रुपीज बनेगा राइट। तो हमें मेनली वो चीज को भी कंसिडर करना है कि 4 25 पैसे मिला के 1 रुपी बन रहा है, तो ये सारे चीज को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 315 आएगा। तो हमारे पास जो रेशियो है 25 पैसे का वो 3 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अपन 3x मान सकते हैं। सिमिलरली जो रेशियो है 50 पैसे का वो क्या हो जाएगा, वो 4 है तो 4x एब्सोल्यूट मान सकते हैं एंड 1 रुपी कॉइन का 6 रेशियो है तो उसका भी एब्सोल्यूट अपन 6x मान सकते हैं। तो बेसिकली वी आर कंसिडरिंग
that there are 3x 25 paise coins, 4x 50 paise coins and 6x 1 rupee coins. तो बेसिकली ये सब मिला के अपने पास 315 आएगा. तो इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? अब देखो 3x जो है वो 25 पैसे कॉइन्स है. अब 25 पैसे कॉइन्स 3x का हिस्सा ले रहे हैं, तो बेसिकली 3x जो टोटल होगा, अगर हम लोग 25 पैसे कॉइन्स ले रहे हैं तो वो 25 पैसे कॉइन्स बेसिकली क्या है, 1/4 ऑफ 1 रुपी है. यहाँ पे 25 पैसे इंटू 4 1 रुपी होता है, तो 25 पैसे मतलब क्या, 1/4 रुपीस. तो बेसिकली 3x अगर 25 पैसे कॉइन्स है तो 3x इंटू 1/4 रुपीस का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल तो रुपीस के बेसिस में है, तो रुपीस के हिसाब से ही करेंगे ना पूरा कंसिडरेशन. सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे 50 पैसे कॉइन्स का, तो यहाँ पे 4x 50 पैसे कॉइन्स है, तो 4x 50 पैसे अगर कॉइन्स है तो 50 पैसे कॉइन्स मतलब कितना रुपए, आधा रुपए, तो इधर आधा लिख लेते हैं. बट यहाँ पे 6x 1 रुपी कॉइन, तो ये 6x इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 रुपी कॉइन्स है. तो ये 6x हमारा नंबर ऑफ टाइम्स है. तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि 315 जो है वो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इंटू ईच 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू हाफ रुपी, करेक्ट. प्लस अगर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इंटू ये 1/4 होगा, सॉरी हाफ रुपीज होगा, प्लस नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इंटू 1 रुपी. ये अगर हम लोग देखेंगे तभी ऐड होके 315 बनेगा ना. जितना 25 पैसे कॉइन्स है और हर एक 25 पैसे कॉइन्स 1/4 रुपी का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि सारे चीज यहाँ पे फाइनल आंसर जो है हमारा ये इक्वल टू 315 होगा, और ये तो रुपीज में है ना, तो सबको अपन रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट्स द मेन आइडिया, ठीक है. तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, बेसिकली ये फुल फ्लेश्ड इक्वेशन है अपने पास, तो इसको अपन को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, और 3x यहाँ पे रहेगा, प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 8x, करेक्ट. और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 24x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 315. इफ यू एड दिस ऑल अप दिस वुड बी 35x डिवाइडेड बाई 4 इंटू इज इक्वल टू 315. तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 35 टेंजर क्या होता है, 35 टेंजर होता है आपका 350. उससे अगर आप माइनस करोगे 35 तो आपका आ जाएगा 315. तो बेसिकली 35 नाइन जर 315 होता है, करेक्ट. तो x इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है. अब x अपने पास 36 है, करेक्ट. तो x अपने पास 36 है मतलब 3x क्या हो जाएगा, 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36 हो जाएगा, करेक्ट. अब 3 इंटू 36 हमारे पास टोटल कितने हो जा रहे हैं, 3 इंटू 36 हमारे पास क्या है, ये 3 इंटू 36 अपने पास जो है दिस इज इक्वल टू ये 3x इंटू 1/4. अगर देखेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट बोला है, तो यहां पे 25 पैसे कॉइन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 3x जो है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये कंसिस्ट ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:6, ठीक है. तो यहाँ पे 3 इंटू 36 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 3 18, 3 3 9, 108 आ रहा है, करेक्ट. तो 118 कॉइन्स है बेसिकली हमारा किसका, 25 पैसे का. सिमिलरली 50 पैसे कॉइन्स अगर हम लोग देखेंगे तो 4 इंटू एक्स है, एक्स क्या है 36, तो 50 पैसे कॉइन्स अगर हम लोग इसका देखेंगे तो 6 4 कितना होता है 24, और 4 3 12, 13 14 आ जा रहा है आपका. तो यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जा रहा है, 36 इंटू 4 अगर हम देखेंगे तो ये आ जा रहा है आपका अराउंड 144 के आसपास, राइट, क्योंकि 36 इंटू 4 4 3 12, 13 14, राइट, 144. सिमिलरली अगर 1 रुपी कॉइन देखेंगे तो 6x है, तो 6 इंटू बेसिकली यहाँ पे 36 करना पड़ेगा, करेक्ट. तो ये चीज आपका आ जा रहा है कितना, ये चीज आपका आ जा रहा है 6 6 36, और 6 3 18, 19 20 21, तो 216 1 रुपी कॉइन, ठीक है. बट यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 216 1 रुपी कॉइन है, करेक्ट. 108 हमारा जो वैल्यू आ रहा है, 108 हमारा वैल्यू किसका आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 25 पैसे कॉइन्स का, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास यहां पे कितना आ जा रहा है,
44 कॉइन्स आ जा रहे हैं, किसका 144 कॉइन्स आ जा रहे हैं हमारे पास 50 पैसे का, करेक्ट। तो यहां पे 144 आ जा रहा है, तो 144 हमारे पास 50 पैसे का कॉइन्स आ रहा है, 108 कॉइन्स आ रहा है आपका 25 पैसे का, 216 कॉइन्स आ जा रहा है अपने पास 1 रुपी कॉइन का, राइट। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जा रहा है कि 25 पैसे कॉइन्स जो है 108 पीसेस है ऐसे, 50 पैसे कॉइन्स जो है वो 216 है, सॉरी ये 144 है, और 1 रुपी कॉइन्स जो है वो 216 है। तो इसी तरीके से मेनली आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कंसिडर द कॉन्ट्रीब्यूशन ईच ऑफ देम आर पुटिंग एंड यू हैव टू पुट देम इन एन इक्वेशन, मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये अपना अगला प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पढ़ के खुद ट्राई करो सॉल्व करने की। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, ठीक है। तो यहां पे इनकम ऑफ ए, ठीक है, एंड इनकम ऑफ बी दिया हुआ है, और इसका रेशियो अपने को क्या दिया गया है 2:3, ठीक है। द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 8000, ठीक है। इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर का सम है वो है 8000, ये अपने को दिया गया। अब क्या बोला है, एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो यहां पे जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, इनकम, ठीक है, माइनस एक्सपेंडिचर अपना क्या होता है, सेविंग्स होता है। जो पैसा कमा रहे हो उसके बाद जो पैसा आप उड़ा रहे हो उसके बाद ही आपका सेविंग्स आ जा रहा है, करेक्ट। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे ए है, राइट, एंड यहां पे आपका बी है, करेक्ट। तो हम लोग ये चीज लिख लेते हैं कि ए का इनकम कितना है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, एंड ए का फाइनली सेविंग्स कितना हो पा रहा है, करेक्ट। तो इनकम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2:3 फॉर्मेट में, तो एब्सोल्यूट हम लोग लिख लेते हैं 2x और बी का 3x, मान लेते हैं कि ये इनका टोटल इनकम है। अब यहाँ पे बोला है द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 8000, करेक्ट। तो यहाँ पे मान के चलो एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो ई ए अपन मान लेते हैं, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है वो अपन मान लेते हैं ई बी, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 8000 माइनस ई ए, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो मिला के 8000 हो रहा है, वही चीज अपने को दिया गया है, करेक्ट। तो यहां पे अगर हम लोग सेविंग्स देखेंगे, ए का सेविंग्स कितना हो रहा है, ए का सेविंग्स हो रहा है 2x माइनस ई ए, करेक्ट। और यहां पे अगर हम लोग बी का सेविंग्स देखेंगे तो बी का सेविंग्स क्या हो जाएगा भाई, यहां पे देखो ये चीज बोला गया है द अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो यहां पे जो सेविंग्स हो रहा है बी का, ए का जो सेविंग्स हो रहा है दैट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो अपन ई बी को इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस 3a, 2x माइनस ई ए भी लिख सकते हैं अपन, करेक्ट, क्योंकि 2x माइनस ई ए सेविंग्स है अपना ए का, और यहां पे बोला गया है कि सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, राइट। तो अब बी का बेसिकली सेविंग्स क्या हो रहा है, अगर हम इसको एक बार के लिए भूल भी जाए तो 3x माइनस 2x माइनस ई ए, करेक्ट, ये हो जा रहा है आपका बी का सेविंग्स। तो अगर हम लोग इसको फर्दर देखेंगे तो 3x माइनस 2x प्लस ई ए हो जा रहा है, तो x प्लस ई ए हो जा रहा है, ये जो है ये बेसिकली सेविंग्स है किसका, बी का। अब अपने को क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ इनकम टू द सम ऑफ देयर सेविंग्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ इनकम, ठीक है। तो सम ऑफ इनकम क्या है भाई, सम ऑफ इनकम यहां पे हो जा रहा है 2x प्लस 3x, करेक्ट। तो सम ऑफ इनकम क्या है 2x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 5x। नेक्स्ट अगर देखे तो यहां पे क्या है, सम ऑफ देयर सेविंग्स, सम ऑफ देयर सेविंग्स क्या हो रहा है, सम ऑफ सेविंग्स क्या हो रहा है इन दोनों का, इन दोनों का अगर हम लोग सम ऑफ सेविंग्स देखेंगे तो 2x माइनस ई ए प्लस यहां पे x प्लस 2a हो जा रहा है, x प्लस 2a सॉरी ई ए, करेक्ट, ये x प्लस ई ए है, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ई ए कट जा रहा है, तो यहां पे हो जा रहा है 3x, करेक्ट। तो सम ऑफ सेविंग्स अपने पास 3x है और सम ऑफ इनकम अपने पास 5x है, हम लोगों को उनका रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 3x, तो एक्स एक्स कट गया 5:3, तो अपना करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया 5:3, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे ये जो दिया हुआ है सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 8000, इसका हम लोग यूज तक नहीं किए,
अपन यूज भी कर सकते हैं, बट उसमें भी प्रॉब्लम आप उसी तरीके से ही सॉल्व करोगे। ओवरऑल अगर हम लोग इस चीज को यूज कर ले कि सेविंग्स ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, उसी से हमारा आंसर पूरी तरीके से आ जाए। तो आई होप ये सारे जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। जनरली आपका जो भी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसका लेवल भी कुछ ऐसा ही होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस इस वीडियो के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हुई है कि किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करो जिसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर रहे एंड जिसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।